Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अमवात, हलाकतें 128 हो गई, मजमुई केसेस 6,865 तक जा पहुंचे। मुल्क भर से अब तक कोरोना वायरस के मजीद 561 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत 76 तरक्की पजीर ममालिक को डेबिट रिलीफ देने का फैसला खुशाइंद है। वजीर खारजा कहते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। कोरोना लॉकडाउन, भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वापसी शुरू। इस वक्त पाकिस्तान में 105 कश्मीरी तलबा समेत 205 भारतीय शहरी मुकीम हैं। कोरोना वायरस की जानलेवा वबा, दुनिया भर में खौफ की फजा। पाकिस्तान का 18वां नंबर गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट ने सूरत हाल वाज़े कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 10 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमू तादाद 128 हो गई है, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर मरीजों की तादाद 6,568 तक पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क में होने वाली 128 हलाकतों में से सबसे ज्यादा सिंध में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 42 हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा पंजाब में 34, बलूचिस्तान में 3, गिलगित 3 और इस्लामाबाद में 1 हलाकत हो चुकी है। मुल्क में अब तक कोरोना के मजीद 221 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 216 केसेस सामने आए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से कोरोना के मजीद 5 केसेस सामने आए। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 150 केसेस सामने आए और खैबर पख्तूनख्वा में 47 नए केसेस और 4 अमवात सामने आई, जिसके बाद कुल हलाकतों की तादाद 42 हो गई, जबकि केसेस की मजमू तादाद 912 हो गई। बलूचिस्तान में मजीद 33 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सूबे में केसेस की मजमू तादाद 281 हो गई। आजाद कश्मीर में 3 नए केसेस सामने आने के बाद मजमू तादाद 46 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इलाके में केसेस की मजमू तादाद 237 हो गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़ पर G20 इजलास में 76 तरक्की पजीर ममालिक को डेबिट रिलीफ देने का फैसला किया गया, जो खुशाइंद है। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इमरान खान के मौकिफ की तायद की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। जहां 20 लाख अफराद इस वबा से मुतासर हुए, वहां आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासर हुई। इस सूरत हाल में वजीर आजम इमरान खान ने तजवीज़ दी कि तरक्की पजीर ममालिक को कर्जे के हवाले से रिलीफ दिया जाए। इसका बहुत मुस्बत रद्द अमल आया कि सेक्रेटरी जनरल अक़्वामे मुत्तहिदा ने वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़ की हिमायत की। उनका कहना था कि हमारी भी यही सोच है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले G20 इजलास में वजीर आजम इमरान खान के मौकिफ को सराहा गया और तंजीम ने तारीखी फैसला किया कि 76 ममालिक को डेबिट रिलीफ दिया जाएगा। वाज़े रहे कि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान समेत 76 ममालिक के 40 अरब डॉलर्स के कर्ज एक साल के लिए मुंजमद कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर आजम की अपील को फौरन सराहा और उसकी हिमायत की अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, उनका क्लिप भी आपके सामने है और आपने देख लिया होगा, मीडिया पे वो चल भी चुका है। और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान का नाम लेके कहा कि उन जो इमरान खान ने बात की है वो उसी स्पिरिट में बात कर रहे हैं जिस स्पिरिट का मैं तकाजा कर रहा हूँ। तो उन्होंने G20 में भी उसी अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के व्यूज़ भी आप सुन चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा, अप्रिशिएट किया और बात गई G20 में। तो कल रात
G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वापसी शुरू हो गई है। पहले मरहले में 41 पाकिस्तानी शहरी वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस पाकिस्तान पहुंच गए। 150 के करीब मजीद पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान में मुकीम भारतीय शहरियों की वापसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारत से वापस आने वालों में मुसलमान, हिंदू और सिख पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। हिंदू और सिख मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए भारत गए थे, ताहम ज्यादातर अफराद अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे। भारत में फंसे दीगर पाकिस्तानी भी जल्द वापस लौट आएंगे। भारत से वापस आने वाले ज्यादातर शहरी सिंध के रहने वाले हैं। भारत से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि वतन वापसी पर खुश हैं और इसके लिए पाकिस्तान और भारत दोनों हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं। चंद रोज पहले भारत से वापस आने वाले 5 पाकिस्तानियों में से 3 में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। इलावाजी इस वक्त से पाकिस्तान में 105 कश्मीरी तलबा समेत 205 भारतीय शहरी मुकीम हैं और वो वापस अपने मुल्क जाने के लिए परेशान हैं। तहम भारतीय हाई कमीशन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल सका। हर 5 में से 3 पाकिस्तानी इस बात से खौफजदा हैं कि वो या उनके घराने में कोई भी फर्द कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकता है। गैले पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी ने बताया कि 60% पाकिस्तानी कोरोना वबा को संजीदा ले रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की जानलेवा वबा, दुनिया भर में खौफ की फिजा, खौफ की शोरा में पाकिस्तान का 18वां नंबर। गैलप सर्वे पाकिस्तान ने सूरत हाल कदरे वाजे कर दी। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी ने बताया कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत कोरोना वायरस के मामले में संजीदा है। तो इसमें खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 यानी 66% के करीब लोग जो हैं वो इस थ्रेट को अपने लिए या अपने घर वालों के लिए एक क्रेडिबल थ्रेट समझते हैं। उनका ख्याल है कि उनको या उनके घर वालों को कोरोना हो जाने का खदशा मौजूद है। अगर दुनिया भर के हिसाब से देखा जाए तो तक ये पाकिस्तान का नंबर 18वां है। ताहम एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो एहतियात नहीं कर रहे। सर्वे के मुताबिक 68% पाकिस्तानी हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले की हिमायत करते हैं, जबकि 23% इस फैसले के खिलाफ हैं, जिसमें ज्यादा तादाद खवातीन की है। मगर सबसे तश्वीशनाक मसला है बेरोजगारी। बिलाल गिलानी ने बताया लॉकडाउन के बायस मुल्क की बड़ी तादाद बेरोजगारी के दलदल में धंस गई है, जिससे निकलना मुश्किल नजर आता है। उसमें जो फाइंडिंग है वो तश्वीशनाक है और 80% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि का कहना है कि उन्होंने और उनके आसपास उन्होंने किसी बेरोज़गार शख्स को देखा। और इसमें जो डेली वेजर्स हैं उनका ये कहना सबसे ज़्यादा है। गैलप की ये फाइंडिंग और सर्वे और रिसर्च रिपोर्ट से भी साबित होती है। हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने अपनी एक रिपोर्ट छाया कि जिसमें उन्होंने ये फोरकास्ट किया कि अप टू 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब अफराद जो है वो बेरोजगार। गैलप सर्वे में ये सामने आया कि हर 4 में से 3 पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। 37% पाकिस्तानियों ने हुकूमती इकदामात पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। सर्वे में शरीक 26% लोगों ने बताया कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए मेडिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और 10% हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हर 5 में से 1 पाकिस्तानी का ये भी मानना है कि ये वायरस बैरून मुल्क की कोई साजिश है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें,
आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे।